Hello students, how are you all? I hope guys you all are fine. Guys, as you all know, in last two classes we discussed about algorithm in C programming language and one example of algorithm. बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो दो last classes हुई हैं उनमें हमारे information technology से related जो content था उसके अंदर हमने C programming language में actual में algorithm क्या है हमने वो discuss किया था और हमने एक एल्गोरिथम बनाई थी जो तीन नंबर्स का एवरेज निकालती है। आज उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फ्लो चार्ट। तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू कर चुके थे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट जो टॉपिक था जिसका नाम एल्गोरिथम इन सी लैंग्वेज था, वो हमने डिस्कस कर लिया था और हमने एक एल्गोरिथम बना के देखी थी, और मैंने आपको होमवर्क के लिए दो एल्गोरिथम बनाने के लिए भी कहा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। क्लियर है बेटा? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फ्लो चार्ट। एक्चुअल में फ्लो चार्ट होता क्या है? देखिए, एक प्रोग्राम को बनाने के दो फेजेस थे, हमने लास्ट क्लास में देखा था। पहला फेज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जहां हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यानी हम एल्गोरिथम बनाते हैं, और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन का फेज जहां पे हम हमारी बनाई हुई एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर है बेटा? तो एक प्रोग्राम को बनाने से पहले जैसे एल्गोरिथम बनती है, तो वैसे एक प्रोग्राम को बनाने से पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी केसेस के अंदर फ्लो चार्ट भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना और आसान हो जाए। यानी एल्गोरिथम की मदद से तो हो पाया आसान, मगर हम और ईजी उसे करना चाहते हैं तो हम उसका क्या बनाते हैं? हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। देखिए, जब आप कोई एक एल्गोरिथम बना रहे हैं और उस एल्गोरिथम को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आप उसे विजुअल फॉर्म के अंदर, ड्राइंग की फॉर्म के अंदर अगर उस एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हो पेपर पे, कॉपी के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्लो चार्ट। एक पॉइंट लिखा है मैंने, पॉइंट पर जरा ध्यान देना क्या है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर एल्गोरिथम, हमारी एल्गोरिथम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफन अक्सर यूज इन द डिजाइन फेस ऑफ प्रोग्रामिंग। दो बातें यहां पे लिखी, पहला क्या कि फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट हमारी एल्गोरिथम का, जो हमने एल्गोरिथम बनाई है उस एल्गोरिथम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर है। जैसे कुछ इस तरीके से होता है बेटा, ऐसे फिर एक एरो आता है, फिर यूं आपके दोबारा सिंबल आते हैं प्रोसेस के, फिर ऐसे इनपुट आता है, फिर ये वाला एरो आता है। तो कुछ ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। आपने जो एल्गोरिथम बनाई है उसे आप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। अक्सर इसे फ्लो चार्ट को कहां काम लिया जाता है? जब हम हमारे प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे होते हैं, हमारे प्रोग्राम की जो डिजाइनिंग फेज होती है उस वक्त हम फ्लो चार्ट को काम में लेते हैं। तो कोई पूछ लेगा आपसे एल्गोरिथम क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। और फ्लो चार्ट क्या होता है? उस एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या है? आपका फ्लो चार्ट है। क्लियर बेटा? सेकंड पॉइंट, मेक अवर लॉजिक मोर क्लियर। आप जो प्रोग्राम बना रहे हो उसके लिए आपने जो लॉजिक तैयार किया था, लॉजिक इन द सेंस जो उसका फॉर्मूला है जिससे आपका प्रोग्राम आउटपुट जनरेट करेगा, उसको और ज्यादा इजी बनाता है और क्लियर बनाता है। कौन? आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से क्या होता है, ग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर आ जाती है बेटा चीजें। तो यहां हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो बहुत ज्यादा इजी हो गया हर चीज को समझना, हमारे लॉजिक को क्लियर करना। हेल्प ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है एल्गोरिथम की तरह जब हम किसी प्रोग्राम को बना रहे होते हैं या किसी प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, उसका कोड कर रहे होते हैं, उस वक्त फ्लो चार्ट की मदद से हम हमारे प्रोग्राम को इजीली इंप्लीमेंट कर पाते हैं। मेक टेस्टिंग एंड डिबगिंग इजी। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर हो सकती है, आपको लगता है कि हमने कोड लिखा उसमें एरर आ रही है, तो अगर आप फ्लो चार्ट पहले बना रहे हो एल्गोरिथम के बाद और प्रोग्राम बनाने से पहले, तो आप के प्रोग्राम को रन करते वक्त उसमें जितनी तरीके की एरर्स आ सकती है, बग आ सकती है, तो उनकी पहले टेस्टिंग हो जाती है और हम उन बग्स को क्या कर देते हैं? डिबग कर देते हैं, यानी एरर्स को उसी समय रिमूव कर देते हैं। इट इज द बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर एक बेस्ट तरीका है जिसे क्या कहा गया है? फ्लो चार्ट कहा गया है। तो बेटा मेन जो बात आपको ध्यान रखनी है वो बात यह है
कि जब आपको कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दिया गया है तो प्रोग्राम जो आपके सामने एक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए आप एल्गोरिथम बना रहे हैं, और उस एल्गोरिथम को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको कहा गया है कि उसको ड्राइंग के थ्रू या चार्ट के थ्रू समझाइए, तो आप उस प्रॉब्लम का क्या बना रहे हैं, एल्गोरिथम का क्या बना रहे हैं, एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए एल्गोरिथम का होना जरूरी है, तो फ्लो चार्ट आपके एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का एक बेस्ट वे है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाया कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे प्रोसेसिंग है, यहाँ पे हो रही है, स्टॉप हो रहा है। क्लियर है बेटा? तो ऐसा जो डायग्राम है ऐसा ही क्या होता है, आपका फ्लो चार्ट होता है। क्लियर है? आई होप कि आपको फ्लो चार्ट समझ आया होगा। अब बेटा जब हम ये फ्लो चार्ट बनाएंगे कुछ इस तरीके का, तो हमें वेरियस सिंबल्स हैं जो सिंबल्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे और हमें समझने पड़ेंगे। आज की क्लास में हम 4 सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम बचे हुए सिंबल्स और एक फ्लो चार्ट बना के देखेंगे, तो आपको समझना वो सब चीजें आसान हो जाएंगी। एक फ्लो चार्ट को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो सिंबल काम में आता है वो होता है आपका ओवल शेप का सिंबल। किसका होता है बेटा? ओवल शेप का सिंबल, लाइक दैट, ऐसे कुछ तरीके का, ठीक है? तो जो ओवल शेप का सिंबल है आपका, ये आपके प्रोग्राम को स्टार्ट और आपके प्रोग्राम को स्टॉप करने का काम आता है। यानी आपका फ्लो चार्ट ओवल शेप के सिंबल पे शुरू होगा और खत्म भी कहां होगा? ओवल शेप के सिंबल पे खत्म होगा। ये टर्मिनल है, स्टार्टिंग टर्मिनल और आपका स्टॉप टर्मिनल। समझ आई बात नहीं है? तो जब भी आप कोई फ्लो चार्ट बनाओगे तो सबसे पहला जो सिंबल आपको काम में लेना है वो आपका ओवल सिंबल है, जो इससे शुरू होगा स्टार्ट पॉइंट से और स्टॉप भी किस पे होगा? आपके ओवल सिंबल पे शुरू होगा। अब आप यूजर से कोई इनपुट लेते हो या कोई आउटपुट लेते हो, तो इनपुट और आउटपुट लेने के लिए आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के थ्रू आप इनपुट ले सकते हो और आप आउटपुट ले सकते हो। ओवल से प्रोग्राम शुरू हुआ, हमने इनपुट लिया सी, ए और बी, तीन नंबर हमने इनपुट लिए। प्रोसेस, तीनों नंबर पे प्रोसेस हो, यानी ये जो तीनों नंबर हैं ऐड हो, सी प्लस ए प्लस बी। तो प्रोसेस करने के लिए जो सिंबल काम आता है वो कौन सा सिंबल है आपका? रेक्टेंगल सिंबल है। कौन सा सिंबल है बेटा? रेक्टेंगल सिंबल है। एनी प्रोसेस टू बी परफॉर्म, अगर आपको कोई भी प्रोसेस प्रोग्राम के अंदर कोई भी कैलकुलेशन कुछ भी करना है तो आप फ्लो चार्ट के अंदर कौन सा सिंबल काम में लोगे? रेक्टेंगल सिंबल काम में लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं ना कोई कोई कंडीशन चेक करनी हो, तो कंडीशन चेक करने के लिए जो सिंबल काम में आता है उस सिंबल का नाम है डायमंड सिंबल। सिलेक्शन ऑफ राइट अल्टरनेटिव, कहने का मतलब है जो सही है, जो राइट अल्टरनेटिव है उसके सिलेक्शन के जो काम आता है वो क्या है आपका? यहाँ पे डायमंड सिंबल है। कौन सा सिंबल है बेटा आपका? डायमंड सिंबल है, राइट सिंबल, ठीक है? तो मैंने चार सिंबल आपको बताए। जब आपको ऐसा फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको चारों सिंबल्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो ओवल, जो आपका फ्लो चार्ट है जिससे स्टार्ट होगा और जिससे स्टॉप होगा, सॉरी, वो आप किसके किस सिंबल के थ्रू होगा? आपके ओवल सिंबल के थ्रू होगा। पैरेललोग्राम, अगर आप यूजर से कोई इनपुट लेते हो अपने प्रोग्राम में तो इनपुट को फ्लो चार्ट के अंदर किसके अंदर शो करना है? पैरेललोग्राम के अंदर शो करना है। अब उस इनपुट के ऊपर अगर कोई प्रोसेसिंग हो रही है तो वो प्रोसेसिंग आपको किससे शो करनी है फ्लो चार्ट में? रेक्टेंगल सिंबल से। और अगर आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव में से किसी राइट को किसी सही को चुनना है, कंडीशन को चेक करना है, तो आप किसको काम में लोगे? आप डायमंड सिंबल को काम में लोगे। तो दोबारा ध्यान देना बेटा, एक एल्गोरिथम को ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट के थ्रू हम एक एल्गोरिथम को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाने से क्या फायदा होता है? लॉजिक है वो क्लियर हो जाता है, प्रोग्राम को लिखना आसान हो जाता है, प्रोग्राम के अंदर एरर को ढूंढना, उससे फिर सॉल्व करना, डिबग करना आसान हो जाता है, और एक बहुत अच्छा तरीका है एक एल्गोरिथम को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। तो कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। आज हमने 4 सिंबल्स की बात करी। अगर किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट और स्टॉप करना है तो ओवल सिंबल काम आता है। किसी भी फ्लो चार्ट में अगर यूजर से इनपुट लेना है और आउटपुट यूजर को देना है तो हम पैरेललोग्राम वाला सिंबल काम में लेते हैं। अगर आए हुए इनपुट पे हमें कोई प्रोसेसिंग करनी है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम रेक्टेंगल सिंबल को काम में लेते हैं। और अगर हमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन करना है बेस्ट अल्टरनेटिव का, बेस्ट चीजों को सेलेक्ट करना है, तो हम डायमंड सिंबल्स काम में लेते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रिमेनिंग सिंबल्स को भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बना के दिखाऊंगा फ्लो चार्ट का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या काम आपका
होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फ्लो चार्ट के बारे में समझ आया होगा, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें एल्गोरिथम भी आपको क्लियर हुआ होगा, और आज जो हमने चार सिंबल देखे हैं किसके, आपके फ्लो चार्ट को बनाने के, वो सिंबल्स भी यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।